नमस्कार दोस्तों जनरल साइंस का ये सीरीज़ हम लोग का चल रहा है जो कि रिवीजन के तौर पर हम लोग संपूर्ण जनरल साइंस जिसके तहत बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री इस सबको हम लोग वन बाय वन करके देखेंगे तो अभी आपका बायोलॉजी का ये सीरीज चल रहा है जनरल साइंस में तो बिना देर किए हुए हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों आज का हम लोगों का जो टॉपिक होगा वो ऑर्गन सिस्टम पर आधारित होगा अर्थात अंग तंत्र पर तो ऑर्गन सिस्टम में हम लोग जो जानेंगे उसमें प्रमुख तौर पर पाचन तंत्र होगा रक्त परिसंचरण तंत्र होगा श्वसन तंत्र होगा अंतरसर्वी ग्रंथियां होगा अंतरसर्वी तंत्र होगा उत्सर्जन तंत्र होगा जनन तंत्र होगा तो ये जितने सारे तंत्र हैं ऑर्गन सिस्टम के अंग तंत्र के उनके बारे में हम लोग वन बाय वन करके डिटेल में देखेंगे जानने का प्रयास करेंगे समझने का प्रयास करेंगे तो आप वीडियो अंत तक देखें तो दोस्तों आज हम लोग ऑर्गन सिस्टम के बारे में जानेंगे तो जैसा कि हम लोग जानते हैं पीत जो कि वसा को पानी में घुलनशील बना देता है जो उत्तकों जो उत्तक कार्य जो उत्तक कार्य संपादित करते हैं अर्थात उत्तक के द्वारा इस प्रकार से कार्य को संपादित किया जाता है तो उन उत्तकों के समूह को जो कार्य को संपादित करते हैं को हम लोग अंग तंत्र कहते हैं तो आज हम लोग प्रमुख अंग तंत्र के बारे में जानेंगे जिसमें से हम लोग पाचन तंत्र रक्त परिसंचरण तंत्र शोषण तंत्र अंतसर्वी तंत्र तंत्रिका तंत्र और जनन तंत्र के बारे में जानेंगे पाचन तंत्र की अगर बात करें तो इसके दो मुख्य भाग हैं पहला येरनाल दूसरा पाचक ग्रंथि पाचन की क्रिया पूर्ण होने के लिए आहारनाल और पाचक ग्रंथि दोनों को होना अति आवश्यक है तो आहरनाल की अगर बात करें इसको एलिमेंट्री कैनल कहा जाता है तो यहानाल में आपका मुख्य तौर पर मुख अर्थात माउथ मुख हुआ जिसे बेकर कैविटी के नाम से भी जाना जाता है ग्रास नली जिसे ऑस्फोगस के नाम से जाना जाता है अमाशय इसे एस्टोमेका भी कहा जाता है छोटी आत जिसको स्मॉल इंस्टाइटिन भी कहा जाता है छोटी आत का कुछ प्रमुख भाग है इसमें ग्रहणी इसे डोडम के नाम से जानते हैं जेजुनम, एलियम ये छोटी आंत के प्रमुख के भाग हैं बात करते हैं बड़ी आत तो इसे लार्ग इंस्टाइटिन के नाम से जाना जाता है इसमें अंधनाल होते हैं क्लोन होता है मलाशय होता है ये नाल के प्रमुख भाग थे प्रमुख अंग थे जिसके माध्यम से भोजन का पाचन की क्रिया पूर्ण होती है ये भोजन के पाचन की क्रिया को पूर्ण होने में कुछ ग्लैंड कुछ पाचक ग्रंथियों की आवश्यकता पड़ती है जो हमारे बॉडी के आकर्त जिसे लीवर कहा जाता है और अग्नाशय जिसे पेनक्रियाज कहा जाता है के माध्यम से रिलीज होता है तो हम लोग इसको और विस्तार पूर्वक जानने का प्रयास करते हैं वाई फिगर जैसा कि हम लोग फिगर में देख रहे हैं पाचन तंत्र का फिगर दिया हुआ है जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये माउथ है मनुष्य में पाचन जो होता है मुख्य से प्रारंभ होता है यहां से प्रारंभ होता है प्रारंभ होकर गुद्दा एनस तक एनस तक जाके पूर्ण होता है अर्थात ऐसे कहें मुख्य प्रारंभ होकर इसका अंत एनस में होता है अर्थात गुद्दा से ये जो भोजन की प्रक्रिया जो पाचन की क्रिया पूर्ण होती है वहाँ से होते हुए अवशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर निकलता है तो ये प्रक्रिया प्रारंभ और अंत इतना आसानी से नहीं होता है इसके इसके लिए अलग अलग माध्यम से होकर गुजरना पड़ता है तो इसके मुख्य भाग जिसमें से माउथ होते हैं ग्रास होता है अष्टोमेका से होते हुए पाचन क्रिया पूर्ण होता है अष्टोमेका से ये छोटी आंत ये जो घुमावदार है इसे छोटी आंत कहते हैं से होते हुए यहाँ से बड़ी हाथ में प्रवेश करता है और तब रेक्टम से होते हुए एनस से होते हुए पाचन की क्रिया पूर्ण होती है तो हम लोग देखते हैं कि माउथ मुख्य में कौन कौन से ग्लैंड रिलीज होते हैं आने वाले जहरीले भोजन को कौन सा ग्लैंड कौन सा एसिड मारने का काम करता है तो इन सारी बातों को हम लोग डिटेल में देखते हैं तो दोस्तों हमारे मुख में एक प्रकार का सलावा ग्लैंड रिलीज होता है जो भोजन को अम्लीय बनाता है अम्लीय प्र... रूप प्रदान करता है तथा लार में पाए जाने वाले इंजाम जो कि इमाइलेज या उसे कहें टाइलिन मंड को आंशिक रूप से पचाने का कार्य करता है करते हैं हाँ दोस्तों अगर हम लोग गर्म भोजन को करते हैं तो हमें स्वादिष्ट महसूस होता है तो इसके पीछे एकमात्र कारण है क्योंकि जब भी हम लोग गर्म भोजन करते हैं तो हमारे मुंह का हमारा जीवा का सरफेस एरिया बढ़ जाता है जिसके कारण भोजन हमें स्वादिष्ट महसूस होता है तो इस प्रकार से मुख में पाए जाने वाला एक एंजाइम जो कि जाइम होता है जो कि बैक्टीरिया को मारने का काम करता है भोजन मुख से आगे के पाचन तंत्र में क्रमाकुंचन के माध्यम से क्रमाकुंचन गति के माध्यम से बढ़ता है दोस्तों सर्पों में पाई जाने वाली विष ग्रंथियाँ मनुष्य के किस ग्रंथि की रूपांतरण होती किस ग्रंथि में रूपांतरण होती है इसका सही आंसर होगा लार ग्रंथि में और नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों ग्रसनी के बारे में यह हम लोग फिगर में देख रहे हैं मौत से प्रारंभ होता है और ये ग्रसनी में पहुँचता है भोजन पचा हुआ भोजन ग्रसनी में पहुँचता है और इस भाग में कोई प्रकार का पाचन क्रिया संपन्न नहीं होता है यह सिर्फ मुंह मुख और हमारा अष्टोमेका जिसे अमाशय कहते हैं ये मेरा मुख है मुख और अमाशय ये मेरा अष्टोमेका है ये दोनों को जोड़ने का काम करता है दृशनी इसे ओसोफेगस भी कहते हैं ना आगे हम लोग जानेंगे दोस्तों अमाशय के बारे में तो ये जो हम लोग देख रहे हैं घुमावदार भाग इसे ही हम लोग अमाशय कहते हैं ये जो पार्ट होता है इसी को अष्टमेय अर्थात अमाशय बोला जाता है अमाशय में भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम में होता है परीक्षा में पूछा जाता है दोस्तों कि अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम में संपन्न होता है तो अमाशय में हम लोग का भोजन का पाचन जो होता है अम्लीय माध्यम में होता है मनुष्य के अमाशय में जठर ग्रंथियाँ इसको गैस्ट्रिक ग्लैंड भी कहा जाता है पाया जाता है जो जठर रस का सर्वन करता है हमारे अमाशे में जठर ग्लैंड पाया जाता है जो कि जठर रस का सर्वन करता है जठर रस के रासायनिक संगठन में स्वाधिक मात्रा में जल पाया जाता है इसके अतिरिक्त एसियल तथा विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं अमाशे में निम्न एंजाइम पाए जाते हैं जिनका कार्य कुछ इस प्रकार से है पहला एंजाइम जिसको पैप्सिन एंजाइम कहते हैं जो कि प्रोटीन के पाचन में मुख्य भूमिका निभाता है दूसरा प्रकार का जो एंजाइम पाया जाता है हमारा अमाशय में हमारा अष्टोमेका में वो उसका नाम रेनिन है जो कि दूध को पचाने का कार्य करता है इसके द्वारा दूध में पाए जाने वाले केसिन प्रोटीन का पाचन पूर्ण होता है आगे बात करते हैं हम लोग दोस्तों लाइपेज इंजाइम के बारे में तो लैपेज इसके द्वारा वसा का पाचन होता है लैपेज के द्वारा वसा का पाचन पूर्ण होता है इमाइलेज इंजाइम्स के बारे में बात करते हैं तो इसके द्वारा मंड का पाचन पूर्ण होता है एस में एस सी अमाशय में भोजन के पाचन के माध्यम को अम्लीय बनाता है तो हमारा अमाशय जो होता है दोस्तों वहाँ जो भोजन का पाचन की क्रिया पूर्ण होता है वो अम्लीय माध्यम में पूर्ण होता है इससे क्या होता है कि हमारा भोजन में जो भी छोटे मोटे जीवाणु होते हैं हानिकारक जीवाणु होते हैं कंकड़ पत्थर होते हैं वो सारे अमाशय में अमाशय के द्वारा ये सारे जो एसियल होते हैं ग्लैंड होते हैं उसके द्वारा पचा दिए जाते हैं यहाँ के बाद हमारा जो भोजन होता है वो छोटी हाथ में प्रवेश करता है हमारे में जब क्रियापूर्ण हो जाती है तो भोजन मेरा छोटी हाँ में पहुंचता है ये जो कमावदार भाग है इसे ही छोटी आत कहते हैं यहाँ पर हमारा भोजन पहुंच जाता है छोटी हाँत में भोजन का पाचन क्षारिय माध्यम में होता है हम लोगों ने अभी देखा कि अष्टमी अर्थात अमाशय में भोजन का पाचन जो होता है अम्लीय माध्यम में होता है वहाँ जितने भी सारे छोटे छोटे जीवाणु और कंकड़ पत्थर होते हैं उन्हें गला दिया जाता है और हमारा भोजन अब की बार छोटी आँत में प्रवेश करता है जहाँ पर भोजन का पाचन जो होता है वो क्षारिया माध्यम में होता है क्योंकि यहाँ अंति रस का जो पीएच मान होता है वो आठ से लेकर आठ दशमलव तीन तक होता है छोटी आत को आहारनाल का सबसे लंबा भाग माना जाता है जिसकी लंबाई छः से सात मीटर होती है जिसकी लंबाई छ से सात मीटर तक होता है कार्य तथा संरचना के आधार पर छोटी आंत को तीन भागों में बांटा गया है जिन्हें क्रमशः लोग ग्रहणी मध्यांतर और शेषांतर सिसा, कहा जाता है छोटी आंत ग्रहणी भाग में भोजन के पाचन में पित्त और अग्नायशिक रस सहायक होते हैं बात करते हैं रस का निर्माण अकर्त में अग्नाशयिक रस का निर्माण अग्नाशय में होता है पीत रस का निर्माण अकर्त में जबकि अग्नाशयिक रस का निर्माण हमारे अग्नाशय में होता है दोस्तों हमारा भोजन अमाशय में पूर्ण हो चुका होता है अब अमाशय से छोटी आत में जो कि क्षारिय माध्यम में होता है अब यहाँ से मेरा भोजन निकलकर कर में पहुँचता है जो कि अकर्त मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी बाह्य सर्वी ग्रंथि होती है मनुष्य का सबसे बड़ा बाह्य सर्वी ग्रंथि किसे कहा जाता है तो अकर्त को कहा जाता है भार के आधार पर अकर्त को शरीर का सबसे बड़ा अंग माना जाता है भार के आधार पर अगर बात करें तो मनुष्य का सबसे बड़ा अंग अकर्त को ही माना जाता है जिसका वजन जिसका भार हम लोग कह दें पंद्रह सौ ग्राम होता है लंबाई के आधार पर शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा को माना जाता है अगर लंबाई के आधार पर माने तो शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा को माना जाता है परीक्षा में पूछा जाता है दोस्तों कि शरीर का सबसे बड़ा अंग किसे कहा जाता है तो इसका सही आंसर होगा त्वचा लेकिन जो ही भार के आधार पर पूछा जाएगा दोस्तों तो सबसे बड़ा अंग हम लोगों का अकर्त लीवर होगा जिसका वेट हम लोग जान गए हैं पंद्रह सौ ग्राम के आसपास होता है मनुष्य में एक अकर्त पाया जाता है प्रत्येक मनुष्य में एक अकर्त पाया जाता है जो दो पिंडों में विभाजित होता है जिसमें दाएं पिंड में नीचे की ओर एक थैली संरचना पाई जाती है जिसे पिताशय है कहते हैं पिताशय है जो कि गार्बरेडर में पितरस का संचयन होता है आगे बात करते हैं दोस्तों होता है जबकि पितरस का निर्माण हमारे अकर्त में होता है पितरस का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों हमारे बॉडी के अकर्त में होता है कुछ अस्तधारियों कुछ अस्तधारी प्राणियों में पीत नहीं पाया जाता है जैसे बात करें घोड़ा जबरा गधा, खच्चर चूहा तो इन सारे में अकर्त नहीं पाया जाता है अकर्त में बना पीत रस क्षारिय प्रकृति का होता है जिसका पीएच मान की अगर बात करें तो सेवन पॉइंट सेवन होता है पीत रस में एंजाइम्स नहीं पाए जाते हैं पीतरस में कोई प्रकार का एंजाइम्स नहीं पाया जाता है फिर भी इसके द्वारा वसा का पाचन होता है जिसे इमल्सीकरण कहा जाता है इमल्सीकरण की क्रिया का संबंध अकर्त से होता है दोस्तों यही हम लोग का अकर्त है यही हम लोग का अकर्त है जिसमें पीतरस पाया जाता है तो दोस्तों हम लोगों ने देखा कि हमारे लीवर में बाइल अर्थात जूस पाया जाता है जो कि गाल ब्लेडर में होता है और भोजन के पाचन की क्रिया को पूर्ण करने में सहायक होता है तंदरु तदुरुपरान्त दोस्तों हम लोगों का जो ग्लैंड पाया जाता है लीवर में और दूसरा पेनक्रियाज में तो ये हम लोगों का पेनक्रियाज है यही हम लोगों का अग्नाशय है अग्नाशय से भी डिफरेंट टाइप के ग्लैंड रिलीज होते हैं जो भोजन के पाचन की क्रिया को पूर्ण करने में मदद करता है तो हम लोग देखते हैं अग्नाशय के बारे में पेनक्रियाज के बारे में अग्नाशय जो कि मनुष्य के शरीर का एक ऐसा अंग है जो मिश्रित ग्रंथि अर्थात मिश्र ग्लैंड की तरह कार्य करता है अग्नाशय में बाईस सर्वी भाग के रूप में अग्नाशयिक नलिका पाई जाती है जबकि अंतरसर्वी भाग में भाग के रूप में लैंगरहेंस की दीपिका जिसे आइलेट ऑफ लैंगरहेंस इजलेट ऑफ लैंगरहेंस कहते हैं पाई जाती है लैंगरहेंस की दीपिकाओं का निर्माण तीन प्रकार की कोशिकाओं से होता है जिन्हें क्रमशः अल्फा बीटा और गामा कोशिकाएं कहा जाता है तो हम लोग वन बाय वन करके अल्फा बीटा गामा कोशिकाओं के बारे में जानने का प्रयास करते हैं पहला अल्फा कोशिका अल्फा कोशिका अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकोग हार्मोन्स का सर्वन होता है ये हार्मोन रुधिर में ग्लूकोज की, की, की मात्रा को बढ़ाता है हमारे बॉडी में हमारे रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाने का कार्य अल्फा कोशिका के द्वारा होता है बात करते हैं बीटे कोशिका ये कोशिकाएं इंसुलिन हार्मोन का सर्वन करता है जो कि रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाने का कार्य अल्फा करता है जबकि ग्लूकोज की, की मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य बीटा कोशिका करता है क्योंकि ये कोशिका इंसुलिन हार्मोन का इंसुलिन हार्मोन का सर्वन करता है जो कि रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य करता है इंसुलिन हार्मोन के अल्पस्रवण से रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है बढ़ जाती है जिसके कारण व्यक्ति में या मनुष्यों में मधुमेह रोग हो जाता है जिसे शुगर डायबिटीज मिल्टस भी कहा जाता है अग्नाशय में अग्नाशयिक रस का निर्माण होता है जिसे पूर्ण पाचक रस के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्वों को पूर्णतः पचाने वाले एंजाइम्स पाए जाते हैं जैसे प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम पाया जाता है प्रोटीन के पाचन के लिए किस प्रकार का एंजाइम की आवश्यकता पड़ता है दोस्तों ट्रिप्सिन नामक एंजाइम का आगे बात करते हैं दोस्तों छोटी आंत के बारे में छोटी आंत में पाए जाने वाले अंतिय ग्रंथियां जिन्हें ब्रूनर्स ग्रंथियां कहा जाता है छोटी आंत में जो ग्रंथियां पाया जाता है उसे ब्रूनर्स ग्रंथियां कहा जाता है जिनमें अंतिय रस का निर्माण होता है जिनमें सभी प्रकार के पोषक तत्वों को पूर्णतः पचाने वाले एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कुछ इस प्रकार से है बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को पचाने वाले इंजाम्स के बारे में जिसमें से पहला सुक्रोज इंजाम्स है इसके द्वारा सुक्रोज शर्करा का पाचन का क्रिया पूर्ण होता है सुक्रेज इंजाम्स के द्वारा सुक्रोज शर्करा का पाचन का क्रिया पूर्ण होता है लेक्टेज इंजाम्स के बारे में बात करते हैं दोस्तों तो इसके द्वारा दूध में पाई जाने वाली लेक्टोज शर्करा का पाचन होता है माल्टेज एंजाइम्स के बारे में बात करते हैं दोस्तों तो इसके द्वारा बीजों में पाए जाने वाली माल्टेज शर्करा का पाचन होता है आगे बात करते हैं दोस्तों प्रोटीन पाचक एंजाइम्स के बारे में तो इसमें से एरेपसिन एंजाइम्स, इसके द्वारा प्रोटीन का पाचन पूर्ण होता है अर्थात ये एंजाइम्स प्रोटीन को अमीनो अम्ल में तोड़ देता है आगे बात करते हैं दोस्तों वसा पाचक एंजाइम्स तो वसा पाचक एंजाइम्स के रूप में लैपेज को जाना जाता है लैपेज एंजाइम इसके द्वारा वसा वसा का पाचन वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में होता है तो हम लोगों ने प्रोटीन के पाचन के बारे में जाना वसा के पाचन के बारे में जाना प्रोटीन के पाचन में रिप्सिन नामक एंजाइम्स जो कि सहायक होता है जबकि वसा के पाचन में लाइपेज नामक एंजाइम्स सहायक होता है जो कि वसा को वसीय अम्ल तथा ग्रसरोल में तोड़ता है इस प्रकार से हमारा जो भोजन है अब बड़ी आँत में प्रवेश करता है दोस्तों बड़ी आँत के बारे में अगर बात करें तो इस भाग में बचे भोजन का तथा शेष नब्बे प्रतिशत जल का अवशोषण यहीं पर होता है बड़ी आँत के द्वारा जो भोजन का पाचन नहीं होता है वो क्रियापूर्ण होती है और बचे हुए भोजन में जो पानी होता है उसका नब्बे प्रतिशत भाग का अवशोषण बड़ी आंत में ही होता है बड़ी आंत की लंबाई की अगर बात करें तो एक से डेढ़ मीटर होती है जहाँ पर भोजन का पाचन नहीं होता है यहाँ पर भोजन का पाचन का क्रिया पूर्ण नहीं होता है बड़ी आंत के द्वारा जो एकमात्र क्रिया संपन्न होता है वह है भोजन में पाए जाने वाले पानी का अवशोषण कार्य तथा संरचना के आधार पर बड़े आंत के तीन भाग होते हैं जिन्हें अंधनाल क्लोन और मलाशय कहा जाता है तो हम लोग जानते हैं मलाशय क्या है मलाशय इस भाग में अवशिष्ट भोजन का संग्रहण होता है यहीं से समय समय पर बाहर निष्क्रमण होता है नोट के रूप में हम लोग देखते हैं सेलुलोज जो कि एक प्रकार का जटिल कार्बोहाइड्रेट्स का जटिल कार्बोहाइड्रेट्स होता है का पाचन हमारे शरीर में नहीं होता है सिरोडोज का पाचन सिक्कम में होता है सिक्कम शाकाहारी जंतुओं में पाया जाता है मनुष्यों में सिक्कम निष्क्रिय अंग के रूप में बचा है बात करते हैं अंधनाल से जुड़ी नलिका का संरचना को किरमी रूप परिशेषिका परिशेषिका जिसे बारहवीं फॉर्म अपेंडिक्स कहा जाता है जो कि अभी हम लोग देखेंगे दोस्तों यही आपका बर्मी फॉर्म अपेंडिक्स है दोस्तों ये ये जो भाग देख रहे हैं दोस्तों यही बर्मी फॉर्म अपेंडिक्स है दोस्तों इसी में जब सूजन हो जाता है किसी व्यक्ति को तो इसको काट के अलग किया जाता है दोस्तों इसे ही अपेंडिक्स रोग के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों बर्मी फॉर्म फॉर्म अपेंडिक्स कहा जाता है जो मनुष्यों में एक अवशेषी संरचना होती है अर्थात वर्तमान समय में मनुष्य के शरीर में इस संरचना का कोई कार्य नहीं है अर्थात कह सकते हैं ये एक बेकार अंग है जिसको शरीर से काट के अलग कर देने से शरीर को कोई नुकसान नहीं होता है शाकाहारी जंतुओं में किरमी रूप प्रेसिसिका सेरुलोज के पाचन में सहायता करती है शाकाहारी जंतुओं में किरमी रूप का जो परिशेषिका होता है वो जो है सो सिलोल के पाचन में उपयोगी होता है जबकि मांसाहारी जंतुओं में ये संरचना नहीं पाई जाती है किमी रूप परिशेषिका के बढ़ जाने पर एपेंडी एपेंडिसाइटिस नामक रोग हो जाता है तो दोस्तों दोस्तों हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में सफलतापूर्वक जानना जाने समझने का प्रयास किया दोस्तों और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है दोस्तों अब जो हम लोगों का अगला टॉपिक अगला पड़ाव होगा वो रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में होगा ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के बारे में जानेंगे दोस्तों रक्त परिसंचरण तंत्र इस तंत्र द्वारा शुद्ध रुधिर का परिसंचरण अर्थात सर्कुलेशन हृदय से धमनी द्वारा संपूर्ण शरीर को तथा अशुद्ध रक्त परिसंचरण संपूर्ण शरीर से हृदय को सिराओं अर्थात भेन के द्वारा होता है इसको हम लोग यों कहें कि जो शुद्ध जो शुद्ध रक्त होता है वो हम लोगों के धमनी के माध्यम से परिसंचरण होता है जबकि जो अशुद्ध रक्त होता है वो हम लोग हम लोगों के हृदय में सिराओं के माध्यम से प्रवेश होता है रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज की बात करें तो इसका खोज विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था सन सोलह ईस्वी में परिसंचरण तंत्र दो प्रकार के होते हैं जिन्हें क्रमशः खुला और बंद परिसंचरण तंत्र कहा जाता है खुला परिसंचरण तंत्र का अर्थ होता है इसके अंतर्गत ऑर्थोपोड़ा संघ आता है जिसमें केक्रोच केकड़ा झींगा मछली मच्छर मक्खी ये सारे खुले परिसंचरण तंत्र वाले जीव हैं इसके अतिरिक्त मुलास्क संघ में घोंगा ऑक्टोपस ये सारे जंतुओं में खुला परिसंचरण तंत्र का विकास तंत्र विकसित पाया जाता है बंद परिसंचरण तंत्र के बारे में अगर बात करें तो सभी विकसित जंतुओं में जैसे कि मछली मेढ़क सर्प पंछी केचुआ एस्क्रिस तथा असंधारी संघ में इस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है मनुष्य में बंद विकसित तथा दोहरे प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है मनुष्य का अगर बात करें दोस्तों तो, तो इसमें विकसित बंद विकसित तथा दोहरे प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है मनुष्य का परिसंचरण तंत्र तीन घटकों से मिलकर बना होता है जिनमें से क्रमशः रुधिर हृदय और रुधिर वाहनिकाएँ कहा जाता है आगे बात करते हैं दोस्तों ब्लड रुधिर के बारे में रुधिर एक तरल संयोजी उत्तक है रुधिर क्या है दोस्तों एक तरल संयोजी उत्तक है जिसका निर्माण मनुष्यों में अस्थि मज्जा से होता है जबकि घूर्णावस्था में रुधिर का निर्माण अकर्त और पील्ला से होता है एक सामान्य मनुष्य के शरीर में पाँच से छः लीटर रुधिर पाया जाता है जो प्रतिशतता में सात से आठ प्रतिशत पाया जाता है रुधिर का निर्माण दो घटक से होता है जिन्हें क्रमशः रुधिर प्लाज्मा और रुधिर कनिकाएँ कहा जाता है अगर रुधिर प्लाज्मा की बात करें दोस्तों तो रुधिर प्लाज्मा का निर्माण जल कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों से होता है रुधिर प्लाज्मा में जल 90 से बिरानबे प्रतिशत पाया जाता है जबकि कार्बनिक पदार्थ के रूप में स्वर्धिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है रुधिर कनिकाएँ अगर बात करते हैं दोस्तों ब्लड कॉरपोलस के बारे में तो रुधिर कनिकाएँ संपूर्ण रुधिर का लगभग चालीस से पैंतालीस प्रतिशत भाग होता है भाग बनता है जो कार्य और एवं संरचना के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं अर्थात रुधिर तीन प्रकार के पाए जाते हैं जिनमें से पहला आर होता है इसको रेड ब्लस कॉरप्लस कहा जाता है डब्लू होता है और ब्लड प्लेटरेस्ट होता है रेड और लाल रुधिर के निकाय के अगर बारे में बात करें दोस्तों तो आर को ए, ए आर को एरिथ्रोसाइट के नाम से भी जाना जाता है जिसका कार्य लाल अस्थि जिसका निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है घूणावस्था में आरबीसी का निर्माण अकर्त तथा पिल्हा में होता है आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों आरबीसी की संरचना के बारे में तो आरबीसी का संरचना अंडकार होती है आरबीसी का अगर जीवन काल के बारे में बात करें दोस्तों तो ये मनुष्यों के शरीर में 120 दिन तक जिंदा रहता है तनुप्रांत शरीर से ये बाहर निकल जाता है संसार के समस्त स्तनधारी प्राणियों के आर में केंद्रक नहीं पाया जाता है लेकिन एक्सेप्शन एक्सेप्शन के तौर पर ऊट और लामा दो ऐसे स्तनधारी प्राणी स्तनधारी प्राणी हैं जिनके शरीर में आर जिनके शरीर जिनके शरीर या जिनके ब्लड में केंद्रक पाया जाता है आर का रंग की अगर बात करें तो लाल होता है लाल होने का मुख्य कारण हेलोग्रो हेमोग्लोबिन है हेमोग्लोबिन में आयरन धातु पाया जाता है हेमोग्लोबिन के केंद्रक में आयरन धातु पाई जाती है ऊँट एक ऐसा स्तनधारी प्राणी है जिसकी आर का आकार सबसे बड़ा होता है ऊँट एक ऐसा स्तनधारी प्राणी है दोस्तों जिसके शरीर में सबसे बड़ा सबसे बड़ा आकार का आर पाया जाता है हिरन की आर का आकार सबसे छोटा होता है यदि किसी व्यक्ति को कुछ दिनों के लिए अंतरिक्ष या माउंट एवरेस्ट पर्वत पर छोड़ दिया जाए तो आर की संख्या और आकार दोनों ही बढ़ जाता है आरबीसी की संख्या मनुष्यों के शरीर में पाँच से साढ़े पाँच लाख प्रति घन मिली मीटर होता है आर का मुख्य कार्य मुख्य तौर पर ऑक्सीजन का परिवहन करना है अगला हम लोग बात करते हैं वाइट ब्लड कॉर्प्लस के बारे में श्वेत रोधित कनिकाएँ के बारे में तो डब्ल्यू का दूसरा नाम लुकोसाइट भी है डब्लू का निर्माण मनुष्य के शरीर में श्वेत अस्थि मज्जा में होता है अगर इसका जीवन काल के बारे में बात करें दोस्तों तो आठ से दस दिन है डब्ल्यू की संख्या मनुष्य के शरीर में लगभग पाँच हज़ार से लेकर नौ हज़ार प्रति घन मिलीमीटर होता है आर और डब्ल्यू सी का अगर अनुपात के बारे में बात करें दोस्तों तो यह लगभग छः सौ इस टू वन के रेशियो में पाया जाता है डब्लू का आकार में अम्बिवा के आकार डब्लू का आकार जो होता है वह अम्बिवा के आकार का होता है इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता है डब्लू का कोई निश्चित आकार नहीं होता है ऐसा माना जाता है कि इसका आकार जो है ओ अंबिवा जैसा है गिज गाज का मुख्य कार्य हानिकारक जीवाणु से शरीर को सुरक्षा प्रदान करना है दोस्तों आकार में सबसे बड़ी डब्लू बी मोनोसाइट्स होती है लिम्फोसाइट प्रकार की डब्लू आकार में सबसे छोटी होती है अगर सबसे बड़ा डब्लू बी सी का बात करें तो मोनोसाइट्स होती है और सबसे छोटा अगर बात करें आकार में तो लिम्फोसाइट होता है संख्या में सबसे अधिक नेट्रोफिल प्रकार की डब्लू बी सी पाई जाती है रुधिर पटलिकाएँ ब्लड प्लेटलेट्स ब्लड प्लेटलेट्स रुधिर पटलिकाओं को थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जाना जाता है रुधिर पट्टिकाओं का निर्माण लाल मज्जा वाले भाग से होता है जो संरचना में प्लेट के आकार के होते हैं रुधिर पट्टिकाओं का जीवन काल के अगर बारे में बात करें दोस्तों तो यह लगभग आठ से दस दिन होता है रुधिर पट्टलिकाएँ रुधिर का थक्का बनाने में सहायक होता है अर्थात ब्लड प्लेटलेट्स जो होता है वो थक्का बनाने का कार्य करता है इसका जीवन काल आठ से दस दिन होता है इसकी संरचना प्लेट के आकार का होता है ब्लड प्लेटलेट्स स्लेट लाल मज्जा वाले भाग में ही निर्माण होता है इसका दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट्स भी है इसकी संख्या मनुष्यों के शरीर में लगभग तीन से पाँच लाख प्रति घन मिलीमीटर होता है अर्थात ऐसे कहें दोस्तों कि मनुष्यों के शरीर में सबसे अधिक जो पाया जाता है वो ब्लड प्लेट्स लेट्स होता है दोस्तों इसके बाद अगर बात करें दोस्तों तो डब्लू पाया जाता है इसके बाद आर पाया जाता है और सबसे कम मात्रा में डब्लू पाया जाता है दोस्तों पाँच से साढ़े पाँच लाख प्रति घन आर पाया जाता है दोस्तों दूसरे स्थान में ब्लड प्लेट्सलेट्स और तीसरे स्थान में दोस्तों जो कि पाँच हज़ार से नौ हज़ार है डब्ल्यू पी सी पाया जाता है दोस्तों ये परीक्षा में पूछा जाता है दोस्तों तो दोस्तों रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में हम लोगों ने महत्वपूर्ण बातों के बारे में जाना जो कि परीक्षा की, की दृष्टि से महत्वपूर्ण है जो बच्चे बातें हैं जिसको हम लोग प्रश्न के फॉर्म में मल्टीपल च्वाइस जब हम लोग बनाएंगे तब उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे अब हम लोग का जो अगला टॉपिक है वो परिसंचरण तंत्र है अर्थात सर्कुलेट्री सिस्टम है सर्कुलेट्री सिस्टम में हम लोग दोस्तों रुधिर हृदय और रुधिर कनिकाएँ रुधिर वाहनियाँ के बारे में जानेंगे अर्थात ब्लड हार्ट और ब्लड बेस इन तीनों को संयुक्त रूप में जानने का प्रयास करेंगे कि हमारे बॉडी में किस तरह से इसका परिसंचरण होता है रुधिर का अगर बात करें दोस्तों तो इसको दो प्रमुख भाग में बाँटा गया है एक को प्लाज्मा कहते हैं दूसरे को रुधिर क निकाय कहते हैं प्लाज्मा का जो प्रतिशतता होता है हमारे बॉडी में पचपन से साठ प्रतिशत होता है वहीं रुधिर कनिकाएँ ब्लड कॉरप्लस का बात करें दोस्तों तो ये चालीस से पैंतालीस प्रतिशत तक होता है रुधिर कन्िकाएँ की अगर बात करें जो कि ब्लड कॉरप्लस चालीस से पैंतालीस प्रतिशत पाया जाता है इसको तीन भागों में बांटा गया है दोस्तों पहले को आर कहते हैं जिसके बारे में हम लोग डिटेल में जाने पहले डब्ल्यू जिसे स्वतः श्वेत रुधिर कनिकाएँ कहते हैं और तीसरा प्लेटस्लेट है अगर पूछा जाए परीक्षा में दोस्तों किस सर्वाधिक मात्रा में किसके कण पाए जाते हैं आर बी सी डब्ल्यू बी सी और या प्लेटस्लेट्स के तो होगा सही आंसर आर बी सी का दूसरे स्थान में प्लेटस्लेट और तीसरे स्थान में श्वेत रुधिर कणिकाओं का श्वेत रुधिर कनिकाएँ के बारे में अगर बात करें दोस्तों तो इसको दो भागों में बांटा गया है पहले भाग को कनिका दूसरे को कनिका रहित कहा जाता है जो कनिका मै होता है उसको तीन अलग अलग नामों से जाना जाता है ऐशिनोफाइल बायोसफाइल और न्यूट्रोफाइल के रूप में कनिका रहित जो होता है जिसमें ब्लड प्लेटलेट्स, डब्ल्यू के नहीं पाए जाते हैं कॉर्पोरस नहीं पाए जाते हैं उनमें उनको दो भागों में बांटा गया है मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स में लिम्फोसाइट्स भी दो तरह का पाया पा जाता है एक को कहते हैं बी लिम्फोसाइट दूसरे को टी लिम्फोसाइट रुधिर परिसंचरण तंत्र में निम्नलिखित अंग कार्य करते हैं जिसमें से पहला है हृदय जिसको हार्ट कहते हैं धामनी जिसे आर्टरी कहते हैं तीसरा सिरा जिसे भेन कहते हैं कोशिका जिसे कैपिलरी भी कहा जाता है रुधिर परिसंचरण तंत्र में निम्नलिखित अंग काम करते हैं जिसमें से पहला अंग होता है हृदय जिसको हार्ट कहते हैं धमनी आर्टरी सीरा भेन कोशिका जिसे कैपिलरी कहते हैं इनमें से हृदय का मुख्य कार्य रक्त का रक्त का आदान प्रदान धमनी एवं शीरा के माध्यम से पंपिंग क्रिया द्वारा शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाना और नेक्स्ट बात करते हैं हृदय की संख्या और चैम्बर के बारे में अगर बात करें तो मनुष्यों में एक हृदय और चार कोष्ठीय होता है मत्स्य वर्ग में अगर बात किया जाए तो एक हृदय और दो कोष्ठीय होता है वहीं अगर उभयचरों में बात किया जाए तो एक हृदय और तीन कोष्ठीय होता है मगरमच्छ क्रोकोडाइल जिसको घड़ियाल भी कहते हैं इसमें चार कोष्ठीय होता है पक्षी वर्ग में बात करें पक्षी वर्ग एवं स्तनधारी वर्ग में तो इसमें हृदय चार कोष्ठीय होता है केचुए में हृदयों की संख्या चार जोड़ी होती है अर्थात आठ हृदय पाए जाते हैं केक्रोच की अगर बात करें तो केक्रोच में लगभग तेरह चेंबर पाए जाते हैं मनुष्यों का हृदय कोष्ठकों विस्माओं में बटा होता है जिसमें ऊपर के अलिंद तथा नीचे के दो नीले कहलाते हैं मनुष्यों का हृदय चार कुष्ठों में विषमों में बटा होता है जिसमें ऊपर में दो अलिंद और नीचे दो नीले होते हैं बाया अलिंद और बाया नीले एक कपाट द्वारा जुड़े होते हैं इसी प्रकार अलिंद और दाया नीले भी एक कपाट द्वारा जुड़े होते हैं अलिंद की दीवारें पतली तथा नीले की दीवारें मोटी होती है अलिंद की जो दीवारें होती है वो नीले की दीवारों से नीले की दीवारों से पतली होती है अशुद्ध रक्त अशुद्ध रक्त दहने निलय दहने अलिंद में सिराओं तथा आ, सिराओं तथा पोस्टर द्वारा पहुँचते हैं तथा यहाँ से अशुद्ध रक्त दहने नीले को पहुँचा दिए जाते हैं दहने निलय द्वारा अशुद्ध रक्त शुद्धिकरण प्यूरिफिकेशन के बाद प्रिफ्रिकेशन के लिए दो पलमनरी धमनी या एक अपवाद है द्वारा दोनों फेफड़ों अर्थात लंग्स को पहुँचाया जाता है यहाँ फेफड़ों से शुद्ध रक्त पलो पलमोनरी सिरा द्वारा बाया लिंद को पहुँचाया जाता है और शुद्ध रक्त लिंद से बाया निलय को तथा बाया निलय से रक्त संपूर्ण शरीर को पंपिंग के द्वारा धम्... पंपिंग कर धमनियों द्वारा पहुंचाया जाता है जिसे बाईफिकर हम लोग देख सकते हैं समझ सकते हैं आगे बात करते हैं धमनी में रक्त रुक रुक कर तथा सिरा में लगातार बहता है धमनी में जो रक्त का फ्लो होता है वह रुक रुक कर होता है जबकि सिरा में यह लगातार बहता रहता है मनुष्य में धड़कन की दर औसतन बहत्तर बार प्रति मिनट है किंतु उत्तेजना के समय यह लगभग 200 बार तक पहुंच जाती है मानव जाति में नर को नर का हृदय साढ़े तीन सौ ग्राम तथा मादा का जो होता है हृदय का वजन वो अढ़ाई सौ से तीन सौ ग्राम तक होता है हृदय को रक्त पहुंचाने वाली धमनी को करोनरी धमनी कहते हैं जबकि इस धमनी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाने पर हृदय आघात जिसको हार्ट अटैक के नाम से भी जाना जाता है सामान्य मनुष्यों में रक्तदाब अगर रक्तदाब अर्थात ब्लड प्रेशर 120 से 80 एम एम एस पारे के दाब के बराबर होता है सामान्य मनुष्य में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर तक होती है रक्त शरीर भार शरीर भार का 7 से 8 प्रतिशत लीटर 7 से 8 प्रतिशत अर्थात लीटर में होता है अर्थात रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग एक बटे तैरवा भाग होता है मानव रक्त में हेमोग्लोबिन की मात्रा 12 से 15 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर पाया जाता है चिकित्सालयों के ब्लड बैंकों में रक्त को लगभग 40 डिग्री फ़ारेनहाइट ताप पर एक महीने तक सुरक्षित रखा जाता है इसमें रक्त को जमने से रोकने के लिए सोडियम साइट्रेट तथा सोडियम ऑगेलेट रसायन मिलाए जाते हैं ये रसायन रक्त को जमने वाले तत्व कैल्शियम को प्रभावहीन कर देता है उच्च रक्त दाब की स्थिति में उच्च रक्त दाब की स्थिति में हृदय के संकुचित होने पर बनती है उच्च रक्त दाब की स्थिति हृदय के संकुचित होने पर बनती है जिसे सिस्टोल कहते हैं तथा निम्न दाब की स्थिति को स्थिति हृदय के फैलने पर बनती है जिसे डायस्टोल कहते हैं उच्च रक्तदाब की स्थिति कब बनता है जब हृदय संकुचित होता है जिसे सिस्टोल के नाम से जाना जाता है निम्न रक्तदाब की स्थिति जब हृदय फैल हो जाता है जिसे डायस्टोल कहा जाता है हृदय धड़कन का नियंत्रण साइनो एड्रियल द्वारा होता है साइनो एड्रियल के द्वारा रक्त में पचपन प्रतिशत प्लाज्मा पैंतालीस प्रतिशत ब्लड कनिकाएँ पाई जाती है प्लाज्मा प्लाज्मा का अधिकांश भाग जल तथा कुछ भाग खनिज लवण प्रोटीन वसा इत्यादि से बना होता है रक्त कनिकाएँ तीन प्रकार की होती है पहला लाल रक्त कनिका जो कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिसंचरण का काम करता है दूसरा जो कि श्वेत रक्त के निकाय है जो कि इसका मुख्य कार्य हानिकारक जीवाणुओं से रक्षा करना और तीसरा प्लेट स्लेट है जिसका कार्य रक्त के जमने में सहायता करना है आगे बात करते हैं रुधिर निर्माण लंबी हड्डियों के लाल अस्थिमज्जा अर्थात रेडबोन मेरो में तथा शुद्धिकरण जो होता है प्यरिफिकेशन वह फेफड़े में होता है पील्हा जिसे स्पेलिंग भी कहते हैं को रक्त का कब्रिस्तान भी कहा जाता है पूछा जाता है रक्त का कब्रिस्तान किसे कहा गया है तो वो पीला है क्योंकि मृत रक्त कोशिकाएँ यहाँ पर संग्रहित होती है रक्त में पाया जाने वाला प्रमुख धातु जो है वह है आयरन कृत्रिम रक्त रासायनिक रूप से फ्लोरोकार्बन होता है जो ऑक्सीजन के अच्छे वाहक होते हैं कोई रक्त ग्रुप ना होने के कारण यह किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है कृत्रिम हृदय जिसका दूसरा नाम जार्विका सेवन है प्लास्टिक एवं एल्युमिनियम धातु का बना होता है इसका वजन लगभग 300 ग्राम होता है हृदय प्रत्यारोपण के बारे में अगर बात किया जाए तो विश्व परिप्रेक्ष्य में हृदय का सफल परीक्षण सफल प्रत्यारोपण क्रिश्चियन बर्नार्ड जो कि दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले थे ने किया भारत में हृदय का सफल प्रत्यारोपण डॉक्टर वेणुगोपाल के द्वारा जो कि केरल में उन्नीस सौ में सफल परीक्षण किया गया था अर्थात सफल प्रत्यारोपण किया गया था अगर बात किया जाए रुधिर के बारे में ब्लड ग्रुप्स के बारे में तो इसकी खोज के लैंडस्टिनर ने 1900 से 1902 ईस्वी में किया था इन्होंने चार रक्त समूह के बारे में बताया अर्थात ब्लड ग्रुप्स चार प्रकार के होते हैं ये ब्लड ग्रुप्स बी ब्लड ग्रुप्स ए बी ब्लड ग्रुप्स और ओ ब्लड ग्रुप्स ये ब्लड ग्रुप्स के अगर बारे में बात किया जाए तो इसमें ये एंटीजन पाया जाता है और बी एंटीबॉडी पाया जाता है बी ब्लड ग्रुप्स के बारे में बात किया जाए तो इसमें बी एंटीजन पाया जाता है और ये एंटीबॉडी पाया जाता है अगर ब्लड ग्रुप्स ए बी के बारे में बात किया जाए तो सिर्फ इसमें एंटीजन पाया जाता है अगर ब्लड ग्रुप्स ओ के बारे में बात किया जाए तो सिर्फ उसमें एंटीबॉडी पाया जाता है आगे बात करते हैं ये भी ब्लड ग्रुप्स जो कि एक प्रकार का यूनिवर्सल एक्सेप्टर है अर्थात वह सबका ब्लड को एक्सेप्ट कर सकता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर सर्वाग्राही है ओ ब्लड ग्रुप्स के बारे में बात करते हैं तो यह यूनिवर्सल डोनर है अर्थात यह सर्वदाता है यह सभी को अपना ब्लड ग्रुप्स डोनेट कर सकता है समूह ये ग्रुप ये की बात करें तो इसमें एंटीजन ये और एंटीबॉडी बी पाया जाता है समूह ग्रुप बी का बात करें तो इसमें एंटीजन बी और एंटीबॉडी ये पाया जाता है समूह ये बी की बात करें तो सिर्फ इसमें एंटीजन ये भी पाया जाता है ये और बी दोनों पाया जाता है और कोई भी एंटी एंटीबॉडीज नहीं होता है वहीं एबी बी के रिवर्स में रक्त समूह ओ है इसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है जबकि एंटीबॉडी ये तथा बी दोनों ही पाए जाते हैं इनमें रक्त समूह ये रक्त समूह ये और ओ से रक्त ले सकता है ये और ये भी रक्त समूह के व्यक्ति को रक्त दे सकता है रक्त समूह बी वाला व्यक्ति रक्त समूह बी और ओ से रक्त ले सकता है तथा बी और ये भी को रक्त दे सकता है रक्त समूह ये भी किसी भी रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ले सकता है तथा केवल ये भी रक्त समूह वाले व्यक्ति को दे सकता है रक्त समूह ओ में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है परंतु एंटीबॉडी ये तथा भी पाया जाता है इसीलिए ओ रक्त समूह वाला व्यक्ति सिर्फ ओ रक्त समूह के ही व्यक्ति से ब्लड ले सकता है तथा सभी को अपना रक्त दे सकता है ये भी जो कि एक यूनिवर्सल एक्सेप्टर है तथा वो एक सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर है बात करते हैं नोट में माता पिता के रक्त समूह के आधार पर बच्चे के रक्त समूह का निर्धारण होता है जो कि परीक्षा की दृष्टि कौन से महत्वपूर्ण है अगर ब्लड ग्रुप्स ये है तो कैन बी डोनेट ये और ये बी और कैन बी रिसीव वो जो रिसीव कर सकता है ये और ओ दोनों अगर ब्लड ग्रुप्स बी है तो बी ब्लड्स ग्रुप्स वाले माता पिता कैन बी डोनेट बी और ये बी और जो रिसीव कर सकता है वो बी और ओ हो सकता है ये भी ब्लड ग्रुप्स वाले कैन बी डोनेट ये बी और कैन बी रिसीव ये बी ए बी और ओ अर्थात जो बच्चा है वो उसका ब्लड ग्रुप्स ये भी हो सकता है बी भी, भी हो सकता है ये बी भी, भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है अगर ओ ब्लड ग्रुप्स वाला व्यक्ति है तो वह अपना ये बी ए बी ओ डोनेट कर सकता है लेकिन जो रिसीव करेगा वो ओनली ओ होगा इसी को रुधिर आधान या ब्लड ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी कहा जाता है अब देखते हैं आर एच फैक्टर के बारे में आर एच कारक के बारे में यह व्यक्ति की लाल रक्त कणिकाओं में पाए जाने वाला एक प्रकार का एंटीबॉडी है इसे सर्वप्रथम रिसस नामक बंदर रिसस नामक जाति के बंदर में लेनस्टिनर तथा ए एस विनर द्वारा 1940 में खोजा गया जिसमें यह पाया जाता जिसमें यह पाया जाता है उन्हें आर एच पॉजिटिव तथा जिनमें नहीं पाया जाता है उन्हें आर एच नेगेटिव कहते हैं लगभग नब्बे प्रतिशत लोगों में आर एच कारक पाया जाता है अर्थात वो सारे व्यक्ति आर एच पॉजिटिव आर एच पॉजिटिव रक्त के व्यक्ति को आर एच नेगेटिव रक्त देने पर रक्त संयियत संलियत हो जाता है कहने मतलब पॉजिटिव वाले को नेगेटिव वाले देने पर वह समलित हो जाता है और व्यक्ति का मृत्यु भी हो सकता है अर्थात यदि आर एच नेगेटिव वाला माता के उदर में आर एच पॉजिटिव वाला शिशु हो आर एच पॉजिटिव अर्थात पिता का ब्लड ग्रुप ओ हो पॉजिटिव हो तो शिशु में बन रहा आर एच पॉजिटिव रक्त की कुछ मात्रा माता में स्थानांतरित हो जाती है जिससे आर एच पॉजिटिव के खिलाफ़ माता के रक्त में एंटीबॉडीज का निर्माण होता है क्योंकि माता के रक्त में शिशु से पहुंचा आर एच पॉजिटिव माता के लिए एंटीजन का काम किया यह एंटीबॉडी माता के रक्त से बच्चे को आहार के रूप में प्राप्त होता है यह एंटीबॉडी शिशु के शरीर में एंटीबॉडी एंटीजन का काम करता है और लाल रक्त कणिका को नष्ट कर देता है जिससे शिशु की प्राय मृत्यु हो जाती है इस अवस्था को एरिब्लास्टोलिस फे, कहते हैं इस अवस्था को संभवतः प्रथम गर्भधारण में कम होता है लिगामेंट अश्नायु उत्तक से एक अस्थि को दूसरी अस्थि से जोड़ा जाता है टेंडन जिसको कैंडा उत्तक कहते हैं मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने का कार्य करता है टेंडन अर्थात कैंड्रा उत्तक मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है लिंगामेंट जो कि स्नाई उत्तक है एक अस्थि को दूसरे अस्थि से जोड़ता है लिंगामेंट जो कि एक हड्डी को दूसरे हड्डी से जोड़ता है जबकि टेंडन जिसको कैंडरा उत्तक भी कहते हैं जो कि हड्डी को मांसपेशियों से जोड़ने का काम करता है तांत्रिका उत्तक जिसको नर्वस टिश्यू भी कहते हैं की इकाई नीरो होता है तंत्रिका उत्तक अर्थात नर्वस टिश्यू संवेदनाओं का मस्तिष्क तक संप्रेषण किसके माध्यम से करता है न्यूरॉन्स के माध्यम से पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को जड़ तक पहुँचाने का कार्य कौन करता है फ्लोयम के द्वारा तंत्रिका उत्तक में संवेदना संवेदनाओं का चालन किस रूप में होता है केमिको मैग्नेटिव वेव के रूप में जमीन से जल एवं खनिज लवण को अवशोषित कर पौधे के संपूर्ण अंगों तक पहुंचाने का कार्य कौन सा उत्तक करता है तो यह जालम उत्तक के द्वारा किया जाता है नेक्स्ट बात करते हैं लार स्लाइबा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है ये पूछा जाता है तो एक तरह का एमाइलेज पाया जाता है दूध को पचाने वाले एंजाइम्स कौन सी है तो यह रेनिन होता है पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग जो कि छोटी आंत होता है सेलोलोज का पाचन सिक्कम में पूर्ण होता है वह कौन सा सांप है जिसमें चार कोष्ठीय हृदय होता है तो क्रो कोडाइल जिसे घड़ियाल कहते हैं में पाया जाता है चार कोष्ठीय हृदय किस धमनी आर्टरी में अपवाद स्वरूप अशुद्ध रुधिर का परिसंचरण सर्कुलेशन होता है तो ऐसा पल्मोनरी नरी में होता है किस सिरा भेन में अपवाद स्वरूप शुद्ध रक्त का परिसंचरण होता है तो पल्मो नरी में मनुष्य में हृदय धड़कन स्पंदन की दर प्रति मिनट औसतन कितनी होती है तो ये लगभग बहत्तर बार होती है किस धवनी में कोलेस्ट्रोल की मात्रा बढ़ जाने पर हृदय आघात हो जाता है तो करो नरो करो नरी में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है तो रक्त का शुद्धिकरण फेफड़ों में होता है अगर पूछा जाए रक्त का कब्रिस्तान किसे कहते हैं तो रक्त का कब्रिस्तान पिलहा एस्पेलिन को कहा जाता है रक्त में पाई जाने वाली प्रमुख धातु कौन सी है तो यह लोहा है अगर पूछा जाए कृत्रिम रक्त रासायनिक रूप से क्या होता है तो यह फ्लोरो कार्बन होता है जार्विका सेवल क्या है यह एक प्रकार का कृत्रिम हृदय है मुख में बैक्टीरिया को मारने का काम कौन सा एंजाइम करता है तो यह लाइसोजोम करता है जो कि हम लोग सारी बातें पूर्व में भी देखें तो दोस्तों हम लोगों ने ब्लड ब्लड सर्कुलेशन के बारे में सफलतापूर्वक देखा अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वह श्वसन तंत्र रिस्पारेटरी रिस्परेटरी सिस्टम से होगा तो हम लोग जो भी रेस्पिरेशन करते हैं वह माउथ पेनिंग्स लैरिंग्स ट्रैकिया ब्रंकडस लंग्स ये डायफार्मा के माध्यम से संपन्न होता है शरीर के अंदर श्वास के रूप में वायु का निशोषण एवं उत्सोषण इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करने वाले तंत्र को ही शोषण तंत्र रिस्पेरेट्री सिस्टम कहते हैं इसके अंतर्गत नाम कंठ जिसको लैरिंग्स भी कहा जाता है एपिग्लॉटिस श्वसन शौशन, श्वास नली श्वासनी फेफड़े आते हैं अर्थात श्वसन तंत्र में जो है मुख्य रूप से लैरिंग्स, एपिग्लॉटिस श्वास नली श्वसनी और फेफड़े आते हैं ये तंत्र शरीर के भीतर मुख्यतः वायु मार्ग का कार्य करते हैं इसमें एपिग्लॉटिस की अगर बारे में बात करें तो यह भोजन निकलते समय श्वास मार्ग को बंद कर देता है एपिग्लॉटिस का मुख्य कार्य क्या है या श्वास मार्ग को बंद कर देना भोजन ग्रहण करते समय श्वास मार्ग को बंद कर देना श्वास नली अर्थात कार्टिलेज लचीले हड्डी की बनी होती है फेफड़े लंग्स फेफड़े में लंग्स फेफड़े में लंग्स फूफस में रुधिर का शुद्धिकरण गैसों के आदान प्रदान से होता है गैसों का आदान प्रदान वायु कुपिकाओं ओलुबिली के माध्यम से होता है ऑक्सीजन कुपिकाओं से रक्त में तथा कार्बन साइड रक्त से कूपिकाओं में प्रवेश करता है वयस्क मनुष्यों में वयस्क मनुष्यों के फेफड़ों में तीस से चालीस करोड़ वायु कूपिकाएँ होती है मनुष्यों में दाया फेफड़ा तीन पिंडों में तथा बायाँ फेफड़ा दो पिंडों में विभाजित होता है कूपिकाओं में गैसीय आदान प्रदान की क्रिया विसरण अर्थात डिफ्यूजन विधि द्वारा होता है एम्फीसेमा एम्फीसेमा जो कि एक प्रकार का बीमारी है का संबंध फेफड़ों से होता है ये बीमारी अधिक सिगरेट पीने वाले व्यक्ति को होता है जिसमें व्यक्ति का फेफड़ा की कूपिकाएँ क्षतिग्रस्त हो जाती है और गैसीय आदान प्रदान की क्रिया प्रभावित होती है फेफड़ों की सुरक्षा हेतु इनके ऊपर पोलोरा नामक झीली कावरण पाया जाता है न रिस्पेरेशन के जो प्रमुख भाग हैं उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं तो रिस्पेरेशन जो होता है उसके दो मुख्य पार्ट्स हैं पहला पार्ट्स ऑक्सी जिसको एरोबिक रिस्पेरेशन भी कहा जाता है दूसरे पार्ट्स को अनोक्सी शोषण जिसको एनरेबिक रिस्पायरेशन भी कहा जाता है तो ऑक्सी शोषण की क्रिया में शोषण क्रियाविधि मैकेनिज्म ऑफ रिस्पैरेशन अगर जानने का प्रयास करें तो इसमें सर्वप्रथम ब्रीथिंग होता है अर्थात स्वाछो श्वास होता है फिर गैसों का आदान प्रदान गैसियस एक्सचेंज होता है और तीसरा जो क्रिया होता है वह कोशिकीय शोषण सेलुलर रिस्पेरेशन होता है गैसों का अगर आदान प्रदान की बात करें तो इसमें फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान होता है ऑक्सीजन का परिवहन का काम होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन दूसरा सी ओ टू का परिवहन अर्थात ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट ऑफ ओ टू है ना। कोशिकीय श्वसन की अगर बात करें सेलुलर रिस्पायरेशन का तो इसमें दो मुख्य क्रिया होता है एक तो ग्लाइकोलिसिस होता है और दूसरा प्रक्रम चक्र का होता है सी ओ टू परिवहन सी ओ टू का ट्रांसपोर्टेशन का अगर बार बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ओ टू का अगर बात करें तो इसमें प्लाज्मा में घुलकर डिजॉल्व इन प्लाज्मा प्लाज्मा में घुल कर दूसरा बाइकार्बोनेट के रूप में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है और तीसरा कार्बोनेट के रूप में इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है शोषण के बारे में बात कर रहे हैं तो ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को शोषण कहा जाता है ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को ही क्या कहा जाता है रिस्पायरेशन, शोषण कहा जाता है शोषण चौबीसों शोषण जीवों में चौबीसों घंटा चलने वाली क्रिया है शोषण के प्रकार इसके दो मुख्य प्रकार हैं पहला ऑक्सीशोषण दूसरा ऑक्सी ऑक्सीशोषण को ही एरेबिक रिस्पेरेशन कहा जाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का पूर्ण जारण ऑक्सीशोषण कहलाता है ऑक्सीशोषण क्रिया में अड़तीस एटीपी के रूप में ऊर्जा का उत्पादन होता है ऑक्सीशोषण की क्रिया कोशिका की कोशिका के कोशिका दर्व और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर संपन्न होती है कोशिका दर्व में ग्लाइकोलिसिस क्रिया के द्वारा ग्लूकोज पैरविक अम्ल में तोड़ा जाता है इस विखंडन के दौरान दो एटीपी के रूप में ऊर्जा का उत्पादन होता है ग्लाइकोलाइसिस क्रिया को ऑक्सी और अनऑक्सी शोषण का कॉमन स्टेप माना जाता है चक्र की क्रिया चक्र की क्रिया माइटो माइट्रोकोड्रिया के अंदर संपन्न होती है चक्र के दौरान पार्विक अम्ल कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाता है जल इस विखंडन के दौरान छत्तीस एटीपी ऊर्जा का ऊर्जा का उत्पादन होता है पारविक अम्ल विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति दोनों ही परिस्थिति में होता है अर्थात पारविक अम्ल जो होता है उसका विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति दोनों ही परिस्थिति में होता है मनुष्य जब मनुष्य अधिक कार्य करता है तो मांसपेशियों में ऑक्सीजन के अभाव में पारविक अम्ल का विखंडन लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड में हो जाता है लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण मांसपेशी मांसपेशियों में दर्द होता है इलेक्ट्रिक अम्ल के जमाव के कारण मांसपेशियों में दर्द होता है और नेक्स्ट बात करते हैं अनौक्सी शोषण जिसको एनारेबिक रिस्पायरेशन कहते हैं ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण या जारण अनौक्सी शोषण कहलाता है मांसपेशियों में दर्द का कारण संबंधित कोशिकाओं में ऊर्जा की कमी को माना जाता है क्योंकि अनौक्सी शोषण की क्रिया में दो ए के रूप में ऊर्जा का उत्पादन होता है जब अनौक्सिकोषण की क्रिया जीवाणु और कवक में होती है तो इसे किनवन अर्थात फर्मेंटेशन कहा जाता है किनवन की क्रिया द्वारा ही शराब तथा सिरके का निर्माण होता है अब बात करते हैं स्वच्छो वास का अर्थात ब्रीथिंग का सामान्यतः सांस लेने की क्रिया को ही ब्रीथिंग स्वच्छ स्वासो वास कहा जाता है इस क्रिया में ऊर्जा का उत्पादन नहीं होता है वायुमंडलीय ऑक्सीजन का फेफड़ों में ग्रहण करना और शरीर के विभिन्न भागों से आई हुई कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का वायुमंडल में मुक्त करने की क्रिया को ही स्वच्छोवास कहा जाता है श्वसन क्रिया की शुरुआत डाई डाइफार्मा गम क्रिया क्रियाशील होने से होती है श्वसन के दौरान स्वर्धिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस लगभग अठहत्तर प्रतिशत ग्रहण की जाती है और सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस ही छोड़ी जाती है जो कि अठहत्तर प्रतिशत होता है बात करें ऑक्सीजन जो कि लगभग इक्कीस प्रतिशत ग्रहण की जाती है श्वास के रूप में जो हम लोग ग्रहण करते हैं उसका प्रतिशतता इक्कीस प्रतिशत होता है जबकि हम लोग सोलह प्रतिशत ही छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो कि पॉइंट जीरो थ्री प्रतिशत वातावरण में भी इतनी ही मात्रा में है ग्रहण की जाती है और चार परसेंट छोड़ी जाती है कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हम लोग कम मात्रा में ग्रहण करते हैं लेकिन चार प्रतिशत के लगभग आसपास छोड़ते हैं गहरी सांस लेने में लेने पर साढ़े तीन लीटर गैस ग्रहण की जाती है इस क्षमता को वाइटल क्षमता कहते हैं सामान्य सांस में हाफ़ लीटर गैस ग्रहण की जाती है जिसे टाइडल क्षमता कहते हैं वाइटल क्षमता जिसमें साढ़े तीन लीटर साढ़े तीन लीटर गैस ग्रहण की जाती है और अगर सामान्य सांस में हाफ़ लीटर गैस छोड़ी जाती है हाफ लीटर गैस ग्रहण की जाती है तो टाइडल क्षमता साढ़े तीन लीटर अगर गैस ग्रहण की जाती है तो वाइटल क्षमता और अगर हाफ लीटर गैस ग्रहण की जाती है तो टाइडल क्षमता कहते हैं बात करते हैं डेढ़ लीटर डेढ़ लीटर मैंने वन एंड हाफ लीटर गैस फेफड़ों में प्रत्येक दशा में बनी रहती है प्रत्येक ही कंडीशन में इतना बना रहता है जिसे रेसिडुअल क्षमता कहते हैं फेफड़ों की गैस धारण की अधिकतम क्षमता पाँच लीटर होती है फेफड़ों के गैस धारण की अधिकतम क्षमता पाँच लीटर होती है ऑक्सीजन का ग्रहण एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन या हेमोग्लोबिन की क्षमता पर निर्भर करता है गैसों का विनिमय अर्थात प्रसारण डिफ्यूजन क्रिया द्वारा होता है कोशिकीय शोषण कोशिकाओं के अंदर दो चक्रों ग्राइकोलिसिस एवं क्रेप्स के माध्यम से पूरा होता है ट्रेप्स के माध्यम से पूरा होता है और इस प्रकार में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अनऑक्सी शोषण होता है इसमें कार्बोहाइड्रेट के अपघटन के फलस्वरूप एथिल अल्कोहल और जल का निर्माण होता है अधिक परिरम करने पर लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है अधिक परिण्रम करने पर लैक्टिक अधिक परिश्रम करने पर माफ करें लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है जिससे हमें थकान महसूस होती है कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन मुख्यतः बाइकार्बोनेट आयन अर्थात एस थ्री के रूप में होता है हेमोग्लोबिन की अनुपस्थिति में फिर रुधिर दो प्रतिशत ऑक्सीजन का आदान प्रदान कर सकता है इस प्रकार से इस प्रकार से रिस्पायरेशन सिस्टम का खत्म होता है सफलतापूर्वक नया जो टॉपिक होगा वो हम लोगों का उत्सर्जन अर्थात एक्सकरेशन होगा तो शरीर में कार्बन हाइड्रेट तथा वसा का उपापचय से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जलवाष्प का निर्माण होता है शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स तथा वसा दोनों का दोनों के उपापचय के उपरांत कार्बन डाइऑक्साइड तथा जलवाष्प का निर्माण होता है उसी प्रकार प्रोटीन के उपापचय से यहाँ कार्बोहाइड्रेट्स के उपापचय देखें फिर हम लोग प्रोटीन के उपापचय से नाइट्रोजन जैसे उत्सर्जी पदार्थ का निर्माण होता है जिसको हम लोग यू, अमोनिया यूरिया तथा यूरिक अम्ल के नाम से जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जैसे उत्सर्जी पदार्थों को फेफड़े के द्वारा शरीर से फेफड़े के द्वारा शरीर से बाहर निकाला जाता है कार्बन डाइऑक्साइड जैसा उत्सर्जी पदार्थ को फेफड़े के माध्यम से शरीर के शरीर से बाहर निकाला जाता है सोडियम क्लोराइड जैसे उत्सर्जी पदार्थ त्वचा के द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकलता है सोडियम क्लोराइड जैसा उत्सर्जी पदार्थ अर्थात विषैला पदार्थ हमारा त्वचा के माध्यम से शरीर से बाहर निकलता है यूरिया जैसा उत्सर्जी पदार्थ जो कि हमारे ब्रिक के द्वारा शरीर से बाहर निकाले जाते हैं अब उत्सर्जन के प्रकार के बारे में भी हम लोग जानेंगे उत्सर्जन के प्रकार के बारे में हम लोग डिटेल में जानने का प्रयास करते हैं तो उत्सर्जन के तीन मुख्य प्रकार हैं पहला है एम एमोनो उत्सर्जन इस प्रकार के उत्सर्जन में उत्सर्जी पदार्थ के रूप में अमोनिया को शरीर से बाहर निकाला जाता है इस प्रकार के उत्सर्जन जिन जंतुओं में पाया जाता है उन्हें अमनो एमनोटेलिक जंतु कहते हैं इस प्रकार के उत्सर्जन उत्सर्जी पदार्थ को निकालने के लिए सबसे अधिक जल की आवश्यकता होती है अमोनिया को सर्वाधिक विशेला उत्सर्जी पदार्थ माना जाता है इस प्रकार का उत्सर्जन जलीय जंतुओं में ही पाया जाता है दूसरा है टेलिक उत्सर्जन पहला हम लोगों ने देखा टेलिक उत्सर्जन दूसरा है यूरियो टेलिक उत्सर्जन इस प्रकार के उत्सर्जन में उत्सर्जी पदार्थ के रूप में यूरिया शरीर को शरीर शरीर से बाहर निकाला जाता है कुछ उभयचर वर्ग तथा स्तनधारी वर्ग के जंतुओं में इस प्रकार के उत्सर्जन पाए जाते हैं पाए जाते हैं जैसे मेढ़क मनुष्य हिरण खरगोश इत्यादि में तीसरा जो हम लोग देखेंगे उत्सर्जन का प्रकार वो है यूरिकोटेलिक उत्सर्जन इस प्रकार के उत्सर्जन में उत्सर्जन के पदार्थों के रूप में यूरि यूरिक अम्ल का निर्माण होता है यूरिक अम्ल का उत्सर्जन उत्सर्जित करने के लिए सबसे कम जल की आवश्यकता होती है क्योंकि ये सबसे कम विशेल्य उत्सर्जी पदार्थों होता है इस प्रकार का उत्सर्जन पक्षी वर्ग तथा सांप वर्ग के जंतुओं में पाया जाता है जैसे कबूतर मोर मगरमच्छ किचुआ कछुआ सर्प इत्यादि बात करते हैं मेढ़क एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसमें तीन प्रकार का उत्सर्जन पाया जाता है मेढ़क के लार्वा को टेडोपोल कहा जाता है जिसमें अमनोटेलिक प्रकार का उत्सर्जन पाया जाता है व्यस्क मेढ़क में यूरियोटेलिक प्रकार का उत्सर्जन पाया जाता है मेढक के लार्वा टेडोपोल में अमोटोलिक जबकि व्यस्क में यूरियोटेलिक उत्सर्जन पाया जाता है जब मेढक सुसुप्त अवस्था में होता है तो इसमें यूरियोटेलिक प्रकार का उत्सर्जन पाया जाता है चाहे वो वयस्क हो बच्चा हो किसी भी प्रकार का हो जब भी वह सुषुप्त अवस्था में रहता है तो उसके शरीर से यूरोटोलिक प्रकार का उत्सर्जन होता है मेढक में सुसुप्त अवस्था में अवस्था के दो प्रकार दो प्रकार होते हैं जिसमें ग्रीष्म सुसुप्त अवस्था और दूसरा शीत सुषुप्त अवस्था को हाइब्रिनेशन कहा जाता है ग्रीष्म सुसूप अवस्था और शीत सुषुप्त अवस्था ये दोनों ही प्रकार के सुषुप्त अवस्था को हाइब्रिनेशन कहा जाता है मनुष्य के शरीर में यूरिया का निर्माण अकर्त में होता है मनुष्य के शरीर में यूरिया का निर्माण अकर्त में होता है जबकि ब्रिक के द्वारा यूरिया का यूरिया का यूरिया को छानकर शरीर के बाहर निकाला जाता है शरीर के हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने वाले तंत्र शर्दी तंत्र कहलाते हैं जैसे त्वचा आंसू ग्रंथि, ब्रिक जिसको किडनी भी कहते हैं यही मेरा किडनी है जिसमें कॉर्टेक्स मेडुला वेसल्स यूरिटेरा पाया जाता है जो कि की किडनी के पार्ट्स हैं हमारे शरीर का सर्वप्रमुख उत्सर्जी अंग ब्रिक होता है मुख्य उत्सर्जी अंग क्या है ब्रिक है ब्रिक की इकाई नेफ्रॉन होता है नेफ्रोन में मूत्र अर्थात यूरिन का निर्माण होता है मूत्र का संग्रहण मूत्राशय अर्थात यूरेनरी ब्लडर में होता है मूत्र में पंचानवे प्रतिशत जल तथा शेष यूरिया यूरिकम, क्रेटिना हिपयूरिकम्ल साधारण लवण इत्यादि होते हैं मूत्र में जल के बाद सर्वाधिक मात्रा में यूरिक ही होती है मूत्र का रंग मूत्र का पीला रंग क्रिएटिन क्रिएटिनिन के कारण होता है मूत्र का निर्माण सामान्यतः मनुष्यों में मनुष्यों के चौबीस घंटे में लगभग सौ लीटर होता है लेकिन अंतिम रूप से डेढ़ लीटर ही मूत्र का उत्सर्जन होता है शेष जल का पुनः अवशोषण हो जाता है वृक्ष के कार्य न करने पर डायलिसिस का उपयोग किया जाता है मूत्र का निष्पादन फिल्ट्रेशन बाउमेन संपूर्ण एक वैज्ञानिक है कैप्सूल में होता है मनुष्यों में दो ब्रिक पाए जाते हैं जिन्हें दाया और बाया ब्रिक कहा जाता है मनुष्यों के ब्रिक का भार 300 से साढ़े तीन ग्राम होता है ब्रिकों के द्वारा छाने गए मूत्र में सबसे अधिक मात्रा में जल पाया जाता है जबकि कार्बनिक पदार्थ के रूप में स्वर्धित यूरिया पाया जाता है मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम उपस्थिति के कारण होता है अगर मूत्र का पीएच मान पूछा जाए तो होता है। अर्थात मूत्र एक अम्लीय प्रकृति का होता है मूत्र मनुष्य के मूत्र के द्वारा विटामिन सी शरीर के शरीर से बाहर निकाली जाती है मनुष्य के मूत्र के द्वारा विटामिन सी शरीर के बाहर निकाली जाती है नेक्स्ट टॉपिक नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एक्सरेशन के बारे में जिसको तीन भागों में बाँटा गया है जिसके बारे में पहले भी देखा अमेनोलिटिक उत्सर्जन जिसका उदाहरण जलीय जंतुओं में मछली मेढ़क होता है यूरोटेलिक जिसका उदाहरण मनुष्य गाय खरगोश को कह सकते हैं और तीसरा प्रकार का उत्सर्जन जो कि यूरिकोटेलिक है ना उत्सर्जन जो पक्षी वर्ग और सांप वर्ग में होता है एमिनोटेलिक यूरोटेलिक और यूरिकोटेलिक उत्सर्जन टेलिक और टेलिक उत्सर्जन टेलिक मनुष्यों गाय खरगोश में होता है जबकि यूरिको टेलिक जो कि पक्षी वर्ग में होता है अमोनिया सर्वाधिक विशेला उत्सर्जी पदार्थ है अमोनिया जो कि सर्वाधिक उत्सर्जी विशेला पदार्थ है जबकि यूरिया अम्ल सबसे कम विषैला उत्सर्जी पदार्थ है मनुष्यों में यूरिया का निर्माण अमोनिया से अकर्त में कहाँ अकर्त में होता है जबकि जिसको रुधिर से अलग करने, करने का कार्य ब्रिक अर्थात किडनी करते हैं अंतसर्वी तंत्र जिसको एंडोक्राइन सिस्टम भी कहा जाता है एंडोक्राइन सिस्टम जिसमें पेनियल ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड थायराइड ग्लैंड थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड पेनक्रियाज एड्रिनल ग्लैंड ओवरी टेस्टिस ये सारे आते हैं अंतसर्वी ग्रंथि के बारे में अगर बात करें तो मुख्य रूप से पेनियल ग्लैंड पिट्यूटरी ग्रंथि जो कि मस्तिष्क में होता है थायराइड ग्लैंड थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड जो कि गला में होता है पेनक्रियाज और एडिनल ग्लैंड जो कि पेनक्रियाज में पाया जाता है ओवरी ग्लैंड और टेस्टीज ये अंतरसर्वी ग्लैंड हैं अंतसर्वी ग्रंथी एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में वो डिटेल में जानते हैं इसमें बायसर्वी अंतरसर्वी और मिक्स्ड जिसको हेट्रोक्राइन भी बोला जाता है बायसर्वी एक्सोक्राइन जो कि लिवर में एक्सोक्राइन जो कि लीवर अकृत में पाया जाता है अंतरसर्वी जो कि डक डकलेस ग्लैन में पाया जाता है मिक्स्ड ग्रंथि जो कि पेनक्रियाज में पाया जाता है अगर बायसर्वी ग्रंथि के बारे में बात करें लीवर के बारे में बात करें तो इसमें प्यूटरी थायराइड और माफ करें अंतसर्वी ग्रंथि के बारे में बात करें एंडोक्राइन ग्रंथि के बारे में तो यह प्यूस इसको प्यूट्री थायराइड अधिव्रिक जिसको एडिनल पैराथायराइड थाइमस और पेनियल ग्रंथि है जो एक प्रकार का अंतरसर्वी ग्रंथि है बायसर्वी ग्रंथि के रूप में लीवर है जो अकर्त भी कहते हैं अकर्त या लीवर में बायसर्वी ग्रंथि पाया जाता है अंतरसर्वी ग्रंथि के बारे में अगर पूछा जाए तो प्योट्री थायराइड एडिनल पैराथायराइड थाइमस और पेनियल ये सारे अंतरसर्वी ग्रंथी है बोल बोलें इसको बोलने का प्रयास करें उसी प्रकार मिक्स्ड ग्रंथी के रूप में पेनक्रियाज है अंत तंत्र एंडोक्राइन सिस्टम यह नलिका युक्त एवं नलिका विहीन ग्रंथियों का तंत्र होता है जिसमें विभिन्न ग्रंथियों द्वारा सर्वित सेक्रेटेड हार्मोन्स शरीर की क्रियाओं पर नियंत्रण रखते हैं अंतसर्वी ग्रंथियाँ नलिका विहीन ग्रंथियाँ होती है जिसका अध्ययन जीव विज्ञान के अंतसर्वी विज्ञानी के अंतर्गत किया जाता है अंतसर्वी विज्ञान का जनक वैज्ञानिक एडिशन को माना जाता है अंतसर्वी ग्रंथियाँ से हार्मोन जैसा रासायनिक पदार्थ का निर्माण होता है हार्मोन्स के बारे में अगर बात करें तो हार्मोन शब्द को स्टायरलिंग और बेलिस नामक वैज्ञानिकों ने किया था हार्मोन जीव शरीर के अंदर रासायनिक वाहक के रूप में कार्य करता है जैविक क्रियाओं को उत्तेजित करने वाले पदार्थों को हार्मोन्स कहा जाता है जिनका निर्माण प्रोटीन के अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल तथा अमोनिया एमोन एमिनो अम्ल जैसे पदार्थों से होता है मनुष्यों के शरीर में निम्न अंतर ग्रंथियां पाई जाती है जो क्रमशः इस प्रकार है पहला अगर बात करें तो प्योट्री ग्लैंड जिसे पीयूष ग्रंथि के नाम से जाना जाता है दूसरा थाइराइड ग्लैंड तीसरा पैराथायरयड ग्लैंड चौथा थाइमस ग्लैंड चौथा एड्री नल ग्लैंड चौथा पाँचवा हैंगर्स लैंगरहेंस दीपिका छठा जॉन ग्रंथी ये कुछ प्रमुख अंतरसर्वी ग्रंथियाँ हैं इनमें से इनमें मात्र लैंगर हैंस दीपिका नलिका युक्त होती है यह अंतरसर्वी तंत्र एवं पाचन तंत्र दोनों से संबंधित है बात करते हैं प्यूस ग्रंथी प्यूट्री ग्लैंड के बारे में या मस्तिष्क के निचले भाग में अस्तित्व अस्थित्व होता है या मस्तिष्क के निचले भाग में अस्थित्व होता है यह अन्य सभी अंतर ग्रंथियों पर नियंत्रण रखती है इसी कारण इसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है पीटी ग्लैंड को सभी ग्रंथियों पर नियंत्रण के कारण ही इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है इससे इससे वृद्धि हार्मोन्स थायराइड उत्तेजक हार्मोन्स फेलिकल्स फलिकल्स उत्तेजक हार्मोन्स इत्यादि ग्यारह प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं ग्यारह प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं हार्मोन्स प्रोटीन तथा अर्थात वसीय पदार्थ से बने होते हैं। हार्मोन्स जो होता है वह प्रोटीन तथा अस्टिराइड से बने होते हैं जो जैविक प्रक्रियाओं का नियंत्रण करते हैं विश्व ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स के प्रमुख कार्य शरीर वृद्धि पर नियंत्रण रखना मादा में अंडे तथा नर में स्पर्म का निर्माण दुग्ध उत्पादन पर नियंत्रण शरीर में जल संतुलन उपापचय मेटाबॉलिज्म पर नियंत्रण रखना ग्रंथियों से निकलने वाले वृद्धि हार्मोन्स के अधिक स्रवन की दशा में व्यक्ति अधिक लंबा एवं कम सरवण की दशा में बौना हो जाता है थायराइड ग्लैंड के बारे में अगर बात किया जाए तो इसे टेम्पो टेम्पो ऑफ लाइफ टेम्पो ऑफ लाइफ के नाम से जाना जाता है यह पीयूष ग्रंथि के ठीक नीचे पाया जाता है यह शरीर में सबसे लंबा अंत ग्रंथि है है इससे निकलने वाले इससे निकलने वाले हार्मोन्स में थायरॉक्सिन का मुख्य कार्य श्वसन दर को नियंत्रित करना है थायरॉक्सिन में आयोडीन नामक तत्व पाया जाता है इसी कारण थायरॉक्सिन के अल्प स्रवण से घेंगा रोग हो जाता है ग्रंथि को एक अन्य नाम एडम एपिल से भी जाना जाता है पैरा थैराइड या थैराइड के नीचे पाया जाता है इससे श्रवित होने वाले पैरा पैरा थार्मोन हार्मोन हड्डी में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करता है एडिनल ग्लैंड के बारे में अगर बात किया जाए तो यह एक प्रकार का आपातकालीन ग्रंथि, इमरजेंसी ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है यह ब्रिक अर्थात हमारे किडनी के जस्ट ऊपर स्थित होता है इससे एडिलीन हार्मोन्स का स्रवण होता है इस हार्मोन का मुख्य कार्य कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा का पाचन करना अर्थात उपापचय और नियंत्रण रखना होता है भय और आवेश की स्थिति में अधिब्रिक अर्थात एडिनल ग्लैंड के अंतस्थ भाग से अचानक सर्वित एडिनल हार्मोन मनुष्य को विषम परिस्थिति में सामना करने के लिए प्रेरित करता है इसे लड़ो या उड़ो हार्मोन भी कहा जाता है इस हार्मोन का दूसरा कार्य या हार्मोन का दूसरा कार्य है लैंगर दीपिका अर्थात ये अग्नाशय में पाई जाती है यह एक ऐसा भाग है जो पाचन तंत्र से अंग के रूप में जाना जाता है तथा अंत तंत्र में ग्रंथि के रूप में जाना जाता है जो मंड अथा तस्टार्च और शर्करा शुगर की प्रतिक्रिया को नियंत्रित करता है इसकी कमी से शक्कर रुधिर में चला जाता है जो कि रक्त के घनत्व को बढ़ा देता है जो कि रक्त के घनत्व को बढ़ा देता है जिससे रक्त का दबाव रक्त ब्लड वेसल्स में बढ़ जाता है जो कि ब्रेन हेमरेज एवं हृदय आघात का कारण बन सकता है इसी प्रकार इंसुलिन की कमी रुधिर में शर्करा के स्तर ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है जिससे डायबिटीज़ मधुमेह नामक रोग हो जाता है डायबिटीज़ की स्थिति में उच्च रक्तचाप उच्च रक्तदाब तनाव की स्थिति में हाइपरटेंशन, हृदय ब्रेन हेमरेज होने की संभावना बनी रहती है अब बात करते हैं जोन ग्रंथि जिसको सेक्स ग्लैंड कहा जाता है यह मुख्यतः दो प्रकार का होता है नर में टेस्टिस नामक हार्मोन होता है इसमें दो हार्मोन्स होते हैं जिस पहला है टेस्टोस्टेरोन दूसरा एंडोस्टेरोन जो कि नर हार्मोन्स ग्रंथि है मादा हार्मोन ग्रंथि की बात करें तो यह इसे ओवरी कहते हैं इसमें भी दो हार्मोन्स निकलते हैं एक को एस्ट्रोजन कहते हैं तथा दूसरे को प्रोजेस्ट्रॉन कहते हैं एस्ट्रोजन स्त्रियों में जोन परिपक्वता स्तन ग्रंथियों का विकास ऋतुस्राव इसको मेंसुरेशन मिन्सु, भी कहते हैं का नियंत्रण करता है प्रेजेस्ट्रॉन जो कि गर्भा, गर्भावस्था में में नियंत्रण रखता है इसीलिए इसे प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहा जाता है प्रोजेस्ट्रॉन को प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहा जाता है एस्ट्रोजन द्वितीयक लैंगिक लेंग, लक्षणों का विकास के लिए उत्तरदायी होता है अब कुछ वन लाइनर क्वेश्चन देखते हैं श्वास नली किसकी बनी होती है तो यह कार्टिलेज उपास्थि अर्थात लचीली हड्डियों के व्यस्त मनुष्यों के फेफड़े में किनकी फेफड़े में किनी कितनी वायु कुपिकाएँ होती है कितनी वायु कुपिकाएं होती है तो यह तीस से चालीस करोड़ पाया जाता है श्वा श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस ग्रहण की जाती है तो यह नाइट्रोजन गैस जो कि लगभग अठहत्तर प्रतिशत होता है श्वसन क्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड चार प्रतिशत छोड़ी जाती है किंतु कितनी ग्रहण की जाती है तो इसका प्रतिशतता पॉइंट ज़ीरो थ्री प्रतिशत जो कि पर्यावरण में पाया जाता है के बराबर ग्रहण की जाती है फेफड़ा फेफड़े लंग्स की गैस धारण की अधिकतम क्षमता जो कि लगभग पाँच लीटर है गैसों का विनिमय किस क्रिया द्वारा होता है तो यह प्रसारण डिफ्यूजन विधि द्वारा होता है अधिक परिश्रम करने पर किस अमल का निर्माण होता है जिससे थकावट महसूस होती है तो लैक्टिक एसिड ब्रिक किडनी का की इकाई नेफ्रॉन है मूत्र यूरिन का पीला रंग किसके कारण होता है तो यह क्रेटिना नीन के कारण होता है मूल मूत्र का निष्पंदन कहाँ होता है तो यह मेन संपुटन में होता है नाम का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वह रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा अर्थात जनन तंत्र संतानों उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी अंगों के तंत्र जनन तंत्र कहलाते हैं नर और मादा में भिन्न भिन्न होते हैं नर जनन अंगों के अंतर्गत बिरसन अर्थात टेस्टिज शुक्राशय सेमिनल विकल्स सीसन जिसे पेन कहा जाता है आदि सत्रह अंग आते हैं जिनमें दो तो कॉपर एवं जिनमें दो कॉपर एवं प्रोस्टेट गंथियाँ हैं विसन में शुक्र अर्थात स्पर्म नर जनन कोशिका का निर्माण होता है विरसन में शुक्र सु, सु, शुक्राणु अर्थात स्पर्म नर जनन कोशिका का निर्माण होता है इसका संग्रहण शुक्राशय में होता है संग्रहण कहाँ होता है शुक्राशय में अर्थात वर्सन एक फैक्ट्री का कार्य करता है जबकि शुक्राशय भंडार ग्रह का कार्य करता है शुक्रिय दर्व का निर्माण प्रोस्टेट ग्रंथि में होता है और इस दर्व में शुक्र मिले रहते हैं बात करते हैं मादा प्रजनन तंत्र के अंतर्गत योनि जिसे भेजीना भी कहता है गर्भाशय यूट्रस डिम्डवाहानी फलोपियन ट्यूब आदि में आदि लगभग सोलह अंग एवं ग्रंथियां आते हैं इनमें डिम्ड ग्रंथियां से प्रति अट्ठाइस दिन चंद्रमास पर एक परिपक्व डिम ओवा निर्मित होकर मुक्त होता है और और डिम्ड वाहिनी में आता है जहां पर इसका संपर्क शुक्र से होने पर निषेचन अर्थात फर्टिलाइजेशन होता है निशेषण के पश्चात निशेचित अंडे का विकास गर्भाशय में होता है और विकास के फलस्वरूप शिशु का जन्म होता है उदरस्त शिशु का भरण पोषण प्लेसेंटा प्लेसेंटा के माध्यम से होता है सभी जीवों में अपने ही जैसे संतान उत्पन्न करने का गुण होता है इसी गुण को प्रजनन कहते हैं अपने जैसे संतान उत्पन्न करने के गुण को ही प्रजनन कहा जाता है प्रजनन के द्वारा पुरुष स्त्री के जननांगों में शुक्राणु और अंडाणु मिलकर नया भ्रूण बनते हैं पुरुष और स्त्री का प्रजनन तंत्र भिन्न भिन्न अंगों से मिलकर बना है बना होता है पुरुष प्रजनन तंत्र मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के प्रमुख अंग आधि बिडसन इसको एपिडेमिक बोला जाता है बिडसन टेस्टिज शुक्रवाहिका शुक्राशय पुरस्त शीसन आदि हैं स्त्री प्रजनन तंत्र इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है के प्रमुख अंग शर्त सेल बृहत भोगस लघु भोगक योनि अंडाशय डिम्डवाहनिया गर्भाशय आदि स्त्री प्रजनन तंत्र हैं ना कुछ हम लोग मल्टीपल वन लाइनर क्वेश्चन देखते हैं एशियाई हाथी का गर्भ धारण काल जो कि सबसे अधिक होता है यह 609 दिन होता है अंडानों की परिधि की अगर बात करें तो यह 100 से 125 सौ पच्चीस एम तक होता है गर्भाशय नास्पति के आकार का होता है जो मूत्र उतराशय के पीछे मलाशय के आगे स्थित होता है मूत्राशय के पीछे और मलाशय के आगे गर्भाशय नास्पति के आकार का होता है शुक्राणु और डिम्ब के मिल मिलन को विशेषण कहते हैं शुक्राणु और डिम्ब के मिलन को फर्टिलाइजेशन और विशेषण कहते हैं ऋतुस्रव जिसे मेंसुरेशन को रजोधर्म अतर्व और मासिक धर्म भी कहते हैं ऋतुस्राव स्त्रियों में प्रायः 12 से चौदह वर्ष की अवस्था में प्रारंभ होकर 45 से पचास वर्ष की आयु तक होता है अब हम लोग बात करेंगे शिशु का लिंग निर्धारण अगर एक्स एक्स तो फीमेल होगा अगर एक्स वाई होगा तो मेल होगा अगर एक्स एक्स, एक्स, एक्स होगा तो इसे मियोसिस कहते हैं और अगर एक्स वाई होगा मायोसिस होता है एक्सेस अर्थात इसमें ओभम एक्स और ओभम एक्स दोनों होता है ये कुछ मैथमेटिकल टर्म्स है शिशु में लिंग निर्धारण एवं लिंग गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र के विभाजन पर निर्भर करता है मानव में तेईस जोड़े गुणसूत्र क्रोमोजोम होते हैं जिसमें बाईस बाईस जोड़े ओटमोसोम और एक जोड़े लिंग गुणसूत्र सेक्स क्रोमोजोम होता है एक जोड़े का एक्स एवं वाई द्वारा प्रदर्शित किया जाता है नर में लिंग गुणसूत्र एक्स वाई प्रकार का तथा मादा में एक्स एक्स प्रकार का होता है लिंग निर्धारण में नर मेल की भूमिका होती है न कि मादा की यदि एक्स प्रकार एक्स मादा और एक्स नर गुण सूत्र मिलते हैं तो शिशु फीमेल होगा अगर मादा और मादा और वाई मादा एक्स और वाई नर गुणसूत्र मिलेंगे तो शिशु नर होगा आगे बात करते हैं लिंग गुणसूत्र सेक्स क्रोमोजोम पर कुछ बीमारियां या शारीरिक असमानता क्योंकि जीन की उपस्थिति के कारण होता है ऐसी स्थिति में शारीरिक असमानता डिसऑर्डर होना या ना होना सीसु लिंग पर निर्भर करता है इस प्रक्रिया को लिंग वंशानुकर्म संपर्क कहते हैं जो नर या मादा में किसी को भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हो जाता है जिसे पाइल्स कहते हैं किंतु गंजापन ब्लाइंडनेस ऐसी असमानता डिसऑर्डर है जो अगली पीढ़ी के केवल पुरुषों में देखा जाता है अंधता जिसको कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं हेमोफीलिया डाउन सिंड्रोम आदि शारीरिक असमानता से संबंधित रोग है जुड़वा शिशु जिसको ट्विंस भी कहते हैं समान रूप से एक शुक्र स्पर्म एक अंड ओभा का निषेचित फर्टिलाइजर कर पाता है क्योंकि एक मासिक चक्र इंसुलेशन साइकिल की समाप्ति के पश्चात मात्र एक अंड का निष्कासन होता है किंतु कभी कभी असमानता की परिस्थिति में असमानता होती है जिसके कारण जुड़वा बच्चे पैदा होता है यह स्थिति टू है यदि एक अंडे यदि एक अंडे के जगह दो अंडे का निर्माण होता है तो दो अलग अलग शुक्राणों के द्वारा निषेचित होता है परिणामतः दो निषेचित अंडे गर्भाशय ओवरी में उतरते हैं और दो दो अलग अलग प्लेसेंटा प्लेसेंटा द्वारा के द्वारा माता की उदर की दीवार से जुड़ जाते हैं जुड़ जाते हैं जिससे दो अलग अलग भिन्न प्रकार के शिशु पैदा होता है जो असमान जुड़वा बच्चे नॉन आइडेंटिकल ट्विंस कहे जाते हैं तथा ये नर या मादा कुछ भी हो सकते हैं इन बच्चों के गुण एवं प्रवृत्ति दो अलग अलग बच्चों की तरह होती है इनका जन्म एक साथ ही होता है इसके विपरीत यदि एक अंड एक शुक्राणु एक अंड और एक शुक्राणु से निषेचित निषेचन के पश्चात गर्भाशय में पहुँचने के बाद नव शिशु के विकास के पहले ही दो भागों में विभाजित हो जाते हैं तो इन दोनों भाग से अलग अलग शिशुओं का विकास होता है सदैव एक ही लिंग के होते हैं और एक ही प्लेसेंटा के द्वारा जुड़े होते हैं इन्हें पहचानना भी कठिन हो जाता है इन्हें सम जुड़वा अर्थात आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं भ्रूणावस्था के समय शिशु को माता के उदर से भोजन पहुंचाने का कार्य करने वाला अंग कहलाता है अंत सर्वी ग्रंथि में सी ग्रंथि नलिका युक्त होती है अंत सर्वी ग्रंथि में कौन सी ग्रंथि नलिका युक्त होती है तो यह लैंगरहेंस दीपिका होता है व्यक्ति के बोनेपन के लिए उत्तरदायी हार्मोन जो कि वृद्धि हार्मोन ग्रोथ हार्मोन ग्रंथि से श्रवित होता है तो यह ग्रोथ हार्मोन जो होता है वृद्धि हार्मोन वो पीयूष ग्रंथि से श्रवित होता है शरीर की सबसे बड़ी अंतर्वी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि है किस हारमोन्स के अल्पस्रवण के कारण घहंगा रोग जिससे ग्वाइटर डिजीज हो जाता है तो यह ऐसा घेंगा रोग या ग्वाइटर रोग जो होता है थायरक्सिन हार्मोन्स के अधिक स्रवन से अल्पस्रवन के कारण होता है अल्पस्रवन हड्डी में कैल्शियम एवं फास्फोरस की मात्रा को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है तो ये पैरा थर पैरा हार्मोन नामक हार्मोन्स नियंत्रित करता है हार्मोन्स किसके बने होते हैं तो यह प्रोटीन और एस्टेराइड के वसीय अमृत से बने होते हैं भय या आवेश की स्थिति में अचानक शर्वित व हार्मोन कौन सा है जो व्यक्ति को विषम परिस्थिति का सामना करने के लिए प्रेरित करता है तो ऐसा करने के लिए एडिनल हार्मोन्स करता है इस हार्मोन की कमी के कारण शक्कर रुधिर में चला जाता है और रक्त वाहनियाँ में रक्त के दबाव को बढ़ाकर ब्रेन हेमरेज या हृदयाघात जिसको हार्ट अटैक का कारण बन जाता है तो ऐसा इंसुलिन के कारण होता है किस हार्मोन को गर्भावस्था में नियंत्रण के कारण प्रेगनेंसी हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है तो प्रजेस्ट्रॉन हार्मोन्स गर्भस्थ भ्रूण अर्थात शिशु का भरण पोषण किसके माध्यम से होता है तो प्लेसेंटा के माध्यम से होता है तो दोस्तों आज का ये टॉपिक जो हम लोगों ने शुरू किया था को यहीं संपन्न करते हैं पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद